नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा के लिए आज एक ब्रेकिंग न्यूज है। 42 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। यह अब तक का सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट है, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव की संख्या 547 हो चुकी है। सिरसा के लिए इस प्रकार की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। भले ही कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट को लोग हल्के में लेते हों, लेकिन जानकारों और बुद्धिजीवियों के अनुसार इस तरह से बढ़ती हुई संख्या सिरसा के लिए चिंता का विषय है। आइए देखते हैं सिरसा से ये खास रिपोर्ट। आज सिरसा जिला में 42 नए केस आए हैं और एकदम से इतने केस आना बड़े आश्चर्य की बात है। जब से अनलॉक डाउन हुआ है तब से केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और अगर हम 42 का अलग अलग करके देखें तो एलनाबाद से 12 केस आए हैं, 8 केस डब्बाली से आए हैं, 4 केस रानिया से आए हैं और 7 केस यहाँ सी ब्लॉक के कॉन्टेक्ट से आए हैं। इसी तरह एक एक दो दो केस हर जगह से आए हैं और टोटल आज 42 नए केसेस रिपोर्ट किए हैं और 4 मरीज यहां से ठीक होकर जा चुके हैं। अगर टोटल केस देखें तो अब तक हमारे पास में सिरसा जिला में 547 टोटल केस हो गए हैं, जो कि काफी बड़ी संख्या है। इसमें से अगर हम देखें कि जो सैंपल्स हैं इसको डिटेक्ट करने के लिए, वो हमने 26,700 सैंपल लिए हैं। हमने जहां जहां कॉन्टैक्ट है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का हमने दायरा बढ़ाया है और रैंडम सैंपल जाकर के समाज से लिए हैं और जिससे पॉजिटिव आ रहे हैं। और ये बड़ी खतरनाक स्थिति है कि लोग जो सरकार की हिदायतें हैं उनका पालन नहीं कर रहे हैं, और अभी भी हमारे पास में 73 सैंपल की रिपोर्ट अवेटेड है और रिकवर जो करने वालों की संख्या है वो 303 केस हमारे यहाँ से रिकवर होकर के जा चुके हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। टोटल डेथ जो हुई है सिरसा जिला में अब तक वो 6 हुई हैं और वो सभी बाहर हुई हैं, ना कि सिरसा जिला में हुई हैं, और साथ में कोई ना कोई उनके कोमोर्बिड डिजीज थी। और जो हमारे पास एडमिट पेशेंट हैं वो 238 हैं, 238 में से 132 जो हैं मरीज होम आइसोलेशन में हैं, 106 हमारे कोविड केयर सेंटर में यहाँ पे एडमिट हैं। और कंटेनमेंट जोन है वो अभी तक टोटल 231 बने हैं, जिसमें से 126 स्केल डाउन हो चुके हैं और एक्टिव कंटेनमेंट जोन अभी भी 105 हैं। ये एक बहुत बड़ा दायरा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि लोग अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें, अगर निकलना है तो मास्क लगा के जाएं और 6 फीट सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो रखें, और अपने आदत डालें कि साबुन और पानी से हाथ धोना है, जहां जरूरी हो वहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं सैनिटाइजर वगैरह, और अपने आप को दूरियां रखनी पड़ेगी। आपको इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा, तभी हम अपने आप को अपने परिवारजन को बचा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।